ओरा गाइस, दिस इज द 7K मास्टर स्टूडियो में हम बात कर रहा हूँ मेटल गियर सीरीज की स्टोरी लाइन के बारे में। सो मेटल गियर सीरीज बेसिकली एंटी वॉर सीरीज है विद न्यूक्लियर वेपन्स एंड बिग रोबोट्स टाइड इनटू द गेम। एंड ये गेम्स अपने टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस थे, चाहे वो स्टोरी हो या गेम प्ले। मेटल गियर ट्रूली वन ऑफ अ काइंड फ्रेंचाइज है जिसकी एक एरा का एंड हो चुका है विद सीरीज डायरेक्टर हिदियो कोजीमा लीविंग द फ्रेंचाइज। एंड सेकेंड एरा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई विद मेटल गियर सर्वाइव। ऑल्सो मेटल गियर सीरीज अपनी कंफ्यूजिंग स्टोरी के लिए भी जानी जाती है। सो इस वीडियो में मैंने स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड ये वीडियो कंप्लीट मेटल गियर सागा का पार्ट 1 है जिसमें मैं बात करूंगा बिग बॉस की स्टोरी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। हमारी सीरीज शुरू होती है 1964 में जब USCIA में फॉक्स एंड XOF यूनिट बनाया जाता है फॉर हाईली सीक्रेटिव एंड टैक्टिकल ऑपरेशंस। फॉक्स यूनिट का लीडर है मेजर जीरो एंड मेंबर्स हैं पैरामेडिक सिगिंट जॉन निकनेम जैक एंड जैक की मेंटोर जॉय जिसे जैक सिंपली द बॉस कहता है। यहाँ जैक एंड बॉस में मदर सन जैसी रिलेशनशिप है जिसमें जैक अपनी मेंटोर को सब कुछ मानता है एंड ऐसा समझता है कि वो एक महान सोल्जर सिर्फ उसकी बॉस की वजह से ही है। अब जैक को एक वर्चुअस मिशन के चलते USSR यानी सोवियत रशिया के सेलिनो यार्क रीजन में डिप्लॉय किया जाता है विद कोड नेम नेकेड स्नेक। स्नेक का मिशन है सोकोलोव नाम के बंदे को रिकवर करना एंड उसके द्वारा बनाए जा रहे न्यूक्लियर केपेबल टैंक शैगो हॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना। तो कुछ साल पहले सोकोलोव USSR से US में भाग चुका था लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान USA ने सीक्रेटली USSR को क्यूबा में पोर्ट्स बनाने से रोकने के लिए सोकोलोव को भी सौंप दिया एंड अब सोकोलोव USSR के लिए ये टैंक्स बना रहा है। एंड अगर ऐसा हुआ तो कोल्ड वॉर में USSR जीत जाएगी। स्नेक सोकोलोव के साथ अपने रांडेवू पॉइंट तक पहुंचता है कि बॉस स्नेक की मेंटोर उसे बताती है कि अब वो USA को छोड़कर USSR का साथ देगी एज शी डिफेक्ट्स टू USSR विद 2 US मेड न्यूक्स। बॉस यहाँ अपनी कोबरा यूनिट जो बॉस ने 1942 में बनाई थी टू विन वर्ल्ड वॉर 2 जिसमें कुछ सुपर ह्यूमन सोल्जर्स हैं लाइक द पेन द फ्यूरी द फियर द सोरो एंड द एंड। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद इस यूनिट को अब एक सोवियत GRU ऑफिसर लीड कर रहा है नेम्ड कर्नल वॉल्गिन जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है बिकॉज उसके पास है द फिलोसफर्स लेगेसी। एंड यहाँ इस कंप्लीट वॉल्गिन टीम में है ऑसलॉट कोबरा यूनिट द बॉस एंड सोकोलोव के बेस से मिली टातियाना जिसे वॉल्गिन अपने साथ रखता है। एंड यहीं ये लोग स्नेक से सोकोलोव को उठा लेते हैं एंड सोकोलोव द्वारा बनाए जा रहे शैगो हॉर्ड को भी चुरा लेते हैं। स्नेक यहाँ बॉस से लड़ता है लेकिन बॉस स्नेक का हाथ तोड़ देती है एंड स्नेक के रिटेलिएट करते वो सिर्फ बॉस का हेडबैंड ही पकड़ पाता है एंड बॉस स्नेक को इस नदी से नीचे फेंक देती है। कर्नल वॉल्गिन यहाँ USSR में करंट लीडर को हटाकर अपना पपेट लीडर रखना चाहता है जिसके लिए वो US एंड USSR के बीच वॉर स्टार्ट करवाना चाहता है। एंड यहाँ वो बॉस द्वारा प्रोवाइडेड न्यूक्लियर मिसाइल्स को इस सोकोलोव वाले सोवियत बेस पर फायर कर देता है एंड यहाँ न्यूक ब्लास्ट होते ये इंसिडेंट एक इंटरनेशनल सीन बन जाता है। Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Thank you.
स्नेक पैरामेडिक के इंस्ट्रक्शन से अपने आप को ठीक करता है एंड फॉक्स यूनिट स्नेक को फुलटोन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब सोवियत यूनियन का प्रीमियर निकिता क्रुशेव तब के यूएस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन को इस न्यूक्लियर इंसिडेंट का दोषी ठहराता है। एज स्नेक को डिप्लॉय करने वाला एयरक्राफ्ट सोवियत रेडार में शो हो गया था, लेकिन अपना नाम क्लियर करने के लिए यूएस यहां उनका एक सीनियर ऑफिसर बॉस यूएसएसआर को डिफेक्ट कर चुकी है ये बताते हैं, एंड बॉस ने ही ये न्यूक्लियर वेपन्स दिए ये भी। एंड यूएसएसआर यहां अपने डिफेक्टर बॉस को ठिकाने लगाने एंड अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूएसएसआर सोयल से वापस लाने को कहते हैं। एंड अगर यूएस ने ये सब नहीं किया तो सोवियत प्रीमियर वर्ल्ड वॉर 3 के लिए रेडी रहने को कहते हैं। इसी के बाद फॉक्स यूनिट ऑपरेशन स्नेक ईटर शुरू करते हैं, मिशन टू किल बॉस एंड कर्नल वोल्गिन एंड डिस्ट्रॉय द शैगो हॉर्ड फ्रॉम वोल्गिन्स पोजेशन। एंड इस मिशन के लिए सिर्फ स्नेक ही कैपेबल है जो अब बॉस का बैंडाना पहने हैं। एंड स्नेक को फिर से वही सोवियत एरिया में डिप्लॉय किया जाता है। स्नेक को फॉक्स टीम बताती है कि यूएसए एलाइड कुछ डबल एजेंट वोल्गिन की टीम में डिप्लॉयड हैं एंड वो स्नेक को आगे असिस्ट करेंगे। स्नेक यहां एनएसए एजेंट एडम का वेट करता है, बट यहां एडम की जगह ईवा नाम की लड़की स्नेक को आगे के लिए असिस्ट करती है, जो बताती है कि एडम यहां नहीं आ पाया। स्नेक सभी कोबरा यूनिट के बंदों से लड़ते एंड उन्हें खत्म करते वोल्गिन के न्यू बेस इन ग्रोजनिज ग्राड पहुंचता है, लेकिन यहां सोकोलोव एंड स्नेक दोनों पकड़े जाते हैं एंड वोल्गिन सोकोलोव को मार देता है। एस सोकोलोव ने अभी तक शैगो हॉर्ड का पूरा प्रोटोटाइप तैयार कर दिया। वोल्गिन बॉस को स्नेक की आइस निकालने को कहता है, जिसमें ईवा जो वोल्गिन की रैंक में टातियाना के नाम से थी उसका कवर उड़ जाता है एंड ओसोलॉट जो कि स्नेक की एडवाइस से अब सिर्फ रिवॉल्वर चलाता है वो ईवा के साथ अपने तरीके की रशियन रूलेट खेलता है। एंड ईवा को बचाने के लिए स्नेक ओसोलॉट को हिला देता है एंड ओसोलॉट की एक बुलेट स्नेक के आंख में चल जाती है एंड यहीं से नेकेड स्नेक को उसका लेजेंडरी आई पैच मिलता है। फॉर सम रीजन वोल्गिन अभी भी ईवा को छोड़ देता है एंड सबके जाने के बाद ईवा स्नेक को यहां से भगा देती है। अब कुछ टाइम बाद स्नेक फिर से इस बेस में घुसता है एंड अब तक ईवा फुली पकड़ी जाती है एंड वोल्गिन बताता है कि ईवा के पास से उसे फिलोसफर्स लेगेसी मिली। एंड वोल्गिन आगे एक्सप्लेन करता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बीच यूएसए सोवियत यूनियन एंड चाइना द्वारा बनाया एक ग्रुप जिसे द फिलोसफर्स कहते हैं, इन तीन कंट्रीज के लोगों ने अपना सारा पैसा जो कि टोटल होता है अराउंड 100 बिलियन डॉलर्स, ये पैसा इन्होंने जमा किया टू विन वर्ल्ड वॉर 2 एंड ये पैसा अब के हिसाब से 1.5 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। नाउ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद इस ग्रुप में तनाव बनना शुरू हो गया एंड सब लोगों ने 100 बिलियन डॉलर का फंड को अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर छुपा दिया। उन सब ट्रांसफर्स की इन्फो इसी माइक्रोफिल्म में है जो कर्नल वोल्गिन के फादर ने चुरा ली थी, एज उसके फादर भी एक फिलोसफर थे। एंड इसी फिल्म को ढूंढने के बाद वोल्गिन के पास इतना पैसा है एंड ईवा यहां यहीं चुराने की कोशिश कर रही थी एंड इसी माइक्रोफिल्म को अब द फिलोसफर्स लेगेसी कहते हैं। यहां ईवा को नॉकआउट करने के बाद वोल्गिन ये लेगेसी बॉस को सेफ रखने के लिए दे देता है एंड बॉस किसी अननोन रीजन से ईवा को यहां से बचा देती है। रिवॉल्वर ओसोलॉट स्नेक से अपना रिवेंज लेना चाहता है बट वोल्गिन उसे मना कर खुद स्नेक से लड़ता है। स्नेक यहां वोल्गिन को हरा देता है एंड ईवा की मदद से यहां से बच निकलता है। पीछे ईवा द्वारा प्लांटेड बॉम्ब से ये हैंगर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वोल्गिन शैगो हॉर्ड को पायलट करते ईवा एंड स्नेक के पीछे लग जाता है। स्नेक एंड ईवा शैगो हॉर्ड के वीक पॉइंट्स को टारगेट करते हैं एंड उसे अनयूजेबल बना देते हैं एंड शैगो हॉर्ड से बाहर आते कर्नल वोल्गिन पर बिजली गिर जाती है एंड स्नेक उसे डेड मान लेता है। एंड इसके बाद बॉस की लोकेशन पर जाता है। ईवा यहां रोते बॉस एंड स्नेक को अकेला छोड़ देती है एंड बॉस स्नेक को उसकी परफेक्ट सोल्जर लाइफ एंड ह्यूमन रेस की आइडियोलॉजी बताती है। बॉस उसे अपना प्रेगनेंसी स्कार दिखाती है एंड बताती है कि वर्ल्ड वॉर 2 में नॉर्मेंडी लैंडिंग्स के दौरान वो प्रेगनेंट थी एंड उसे नॉर्मेंडी बीचेस पर ही जन्म देना पड़ा एंड उसका बेटा उसी वक्त उससे छीन लिया गया। बॉस ने इसे भी अपनी कंट्री के लिए एक सैक्रिफाइस समझकर स्वीकार कर लिया एंड अब किसी वजह से बॉस खुद ही स्नेक को उसे मारने को कहती है।
एक इंटेंस सीक्यूसी यानी क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट जो बॉस एंड स्नेक ने मिलकर लड़ने का तरीका बनाया था। इस फाइट के बाद बॉस स्नेक को फिलोसफर्स लेगेसी दे देती है एंड स्नेक अपनी माँ समान मेंटोर द बॉस को मार देता है। ईवा एंड स्नेक एक सोवियत एयरक्राफ्ट से यहाँ से जाते हैं कि रिवॉल्वर ऑसलॉट स्नेक पर फिर हमला कर देता है, बट स्नेक एंड ऑसलॉट दोस्त बनते हैं एंड अब ईवा एंड स्नेक अलास्का में एक सेफ हाउस में नाइट स्पेंड करते हैं एंड सुबह तक ईवा ये फिलोसफर्स लेगेसी चुरा लेती है एंड यहाँ से भाग जाती है। पीछे वो स्नेक के लिए एक रिकॉर्डिंग छोड़ जाती है जिसमें वो बताती है कि वो एक चाइनीज स्पाई थी एस चाइना को भी ये पैसा चाहिए एंड ईवा द्वारा सोवियत न्यूक्लियर रिसर्च चुराने के बाद अब चाइना भी न्यूक्लियर वेपन्स बना पाएगी। बाय द वे चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब अक्टूबर 1964 में बनाया था यानी इस गेम के कुछ महीने बाद एंड नाउ यू नो हाउ चाइना मेड अ न्यूक्लियर वेपन। ईवा आगे बताती है कि बॉस को तो ये सब पहले ही पता लग गया था कि वो यानी ईवा एक डबल एजेंट है लेकिन फिर भी बॉस ने उसका कवर ब्लो नहीं किया एंड एंड तक बॉस यहाँ ईवा को ट्रस्ट करते अपने मिशन के बारे में ईवा को बता देती है एंड अब ईवा स्नेक को बताती है कि बॉस कोई ट्रेटर नहीं थी बल्कि बॉस भी यूएसए के लिए डबल एजेंट की तरह वोल्गिन की आर्मी में शामिल हुई ताकि बॉस भी यूएस के लिए वोल्गिन द्वारा छुपाई फिलोसफर्स लेगेसी ढूंढ सके। लेकिन वोल्गिन को उसका ट्रस्ट जीतने के लिए दी न्यूक्लियर मिसाइल्स, ये वो सोवियत बेस पर फायर कर देगा ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। यूएसए यहाँ अपना नाम क्लियर करने के लिए सब इल्ज़ाम बॉस पर डाल देते हैं एंड अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए बॉस को स्नेक के हाथ से मरने का ऑर्डर देते हैं। एज सोवियत प्रीमियर ने भी बॉस की डेथ की डिमांड की तो यूएसए ने भी ये प्लान बनाया कि वो सब इल्ज़ाम बॉस पर डाल देंगे एज जैसे बॉस ने खुद न्यूक्लियर वेपन्स चुराए हों। एंड यहाँ अभी तक सब लोग ये समझते थे कि बॉस ने अपनी मर्जी से रशिया की साइड चुनी एंड यूएस कितनी महान है कि उन्होंने एक ट्रेटर को मार दिया, बट असल में यूएसए का नाम क्लियर करने के लिए बॉस ने खुद ही डेथ एक्सेप्ट की एंड स्नेक ईटर मिशन के चलते बॉस ना तो सुसाइड कर सकती थी ना ही यूएसए वापस आ सकती थी एंड अपने देश के लिए उसे अपने सबसे होनहार स्टूडेंट से ही मरना था जो वो खुशी खुशी अपने देश के लिए एक्सेप्ट करती है। एंड अब बॉस को इतिहास में देशद्रोही की तरह याद रखा जाएगा एंड सोवियत यूनियन में उसे एक मॉन्स्टर की तरह याद रखा जाएगा जिसने उनकी लैंड पर एक न्यूक्लियर मिसाइल फायर की। इसी सच्चाई के साथ एक टूटा हारा जॉन जिसे स्नेक ईटर मिशन के बाद अब फॉक्स यूनिट का बिग बॉस बना दिया जाता है, वो प्रेसिडेंट से सही तरह हाथ भी नहीं मिलाता एंड यूएस आर्मी चीफ से तो मिलाता ही नहीं। यहीं यूएस की नेशनल सेमेट्री में बिग बॉस अपनी मेंटोर की अनमार्क्ड ग्रेव को सल्यूट कर रोता है। स्नेक, हिस्ट्री विल नेवर नो व्हाट शी डिड, नो वन विल एवर लर्न द ट्रुथ, हर स्टोरी, हर डीब्रीफिंग विल एंड्योर ओनली इन योर हार्ट। She did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. अब गेम के एंड में पता चलता है कि रिवॉल्वर ऑसलॉट एक ट्रिपल एजेंट था जो CIA के लिए KGB में काम कर रहा था एंड वही यूएसए का कॉन्टैक्ट एडम था जिसे फॉक्स कमांडर स्नेक को मिलने के लिए कहते हैं एंड ऑसलॉट थर्ड एजेंट था ऑफ मेजर जीरो जो आपको आगे पता लगेगा। एंड नाउ एक और ट्विस्ट, ऑसलॉट ने पहले ही वोल्गिन से फिलोसफर्स लेगेसी चुरा ली थी एंड वोल्गिन के पास जो फिलोसफर्स लेगेसी थी वो फेक थी यानी वोल्गिन ने जो बॉस को दी एंड बॉस ने जो आगे स्नेक को स्नेक के थ्रू जो ईवा ने चुराई वो फेक थी। असल में फिलोसफर्स लेगेसी का सारा पैसा ऑसलॉट के पास है जो कि आगे आने वाले सालों में पता लगता है कि वो ये सारे मिशंस मेजर जीरो के लिए कर रहा था। यस, मेजर जीरो फॉक्स यूनिट के कमांडर। तो अब पता लगता है कि मेजर जीरो भी यूएस के हित के लिए लेकिन यूएसए अलग काम करना चाहते थे एंड ऑसलॉट उनका पर्सनल एजेंट या फ्रेंड था। एंड अब मेजर जीरो बॉस की विल एंड पूरे यूएसए को कंट्रोल करने के लिए फिलोसफर्स की ही तरह एक न्यू हाईली सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं नेम्ड द पेट्रियट्स। लेकिन ऑसलॉट ये सारा पैसा जीरो को देने के लिए एक शर्त रखता है कि वो बिग बॉस यानी नेकेड स्नेक को भी इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करे एंड दस 1970s तक द पेट्रियट्स फॉर्म होती है जिसमें है मेजर जीरो, ऑसलॉट, बिग बॉस, पैरामेडिक सिगिंट एंड ईवा।
जो भी अब चाइना को छोड़कर द पेट्रियट्स का हिस्सा बनती है एंड 1970s तक यूएसए में फॉक्स यूनिट को हटाकर अब फॉक्स हाउंड यूनिट को यूएस आर्मी में शामिल किया जा चुका है एंड फॉक्स हाउंड यूनिट फॉक्स यूनिट की ही तरह हाईली टैक्टिकल ऑपरेशंस का यूनिट है। इट्स जस्ट कि फॉक्स हाउंड को मेजर जीरो लीड नहीं कर रहा। अब 1972 तक बिग बॉस यानी स्नेक उसको मेजर जीरो के काम करने के तरीके पसंद नहीं आते। इवन दो पेट्रियट्स बॉस के वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज यानी कि सभी देश एक होकर रहें ऐसे गोल को पूरा कर रहे हैं, बट मेजर जीरो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए लिटरली पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं एंड स्नेक एंड जीरो में तनाव बनते। जीरो सीक्रेटली लेस एंड फॉन्स 3 ब्लेस प्रोजेक्ट शुरू करवाता है जिसमें जीरो स्नेक के डीएनए को क्लोन करते एंड ईवा को 2 बच्चों की वैसल की तरह यूज करते बिग बॉस एके नेकेड स्नेक के 2 वर्जन्स या बच्चे क्रिएट करता है, सॉलिड स्नेक एंड लिक्विड स्नेक, जिनको ईवा ने जन्म दिया, बट दोनों कंप्लीट बिग बॉस के क्लोन्स नहीं है। एंड परफेक्ट क्लोन बनाते एक और वर्जन क्रिएट स्लैश पैदा होता है नेम्ड सॉलिडस स्नेक जो कि बिग बॉस का कंप्लीट डीएनए मैच है। एंड इन तीनों बच्चों में रैपिड एजिंग जीन्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं जिससे ये बच्चे बहुत जल्दी बूढ़े होंगे कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमंस। एंड ये बच्चे अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते यानी कि ये क्लोन्स अपनी अगली फैमिली शुरू नहीं कर सकते जो कि जीरो का फेल सेफ है एज इन क्लोन्स के आगे क्लोन्स ना बन सकें। अब 1972 में ही लेस एंड फॉन्स 3 ब्लेस प्रोजेक्ट का पता लगते बिग बॉस एके नेकेड स्नेक पेट्रियट्स एंड फॉक्स साउंड को छोड़ देता है एंड कुछ महीने बाद स्नेक कोलंबिया में काजुहिरा मिलर से मिलता है एंड दोनों बॉस की विश को पूरा करने के लिए अपनी एक प्राइवेट आर्मी फॉर्म करते हैं जो कि इंसाफ एंड जस्टिस के लिए लड़ेगी या उन कंट्री स्लैश लोगों के लिए जो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। एंड सन 1974 तक बिग बॉस एंड काजुहिरा मिलर शॉर्ट में काज कोलंबिया में मिलिटरी सांस फ्रंटियर्स बनाते हैं मींस सोल्जर्स विदाउट बॉर्डर्स। इस पीएमसी यानी प्राइवेट मिलिट्री कॉरपोरेशन में कोई भी किसी कंट्री का लॉयल नहीं है, सब सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ते हैं। काज यहाँ मिलिटरी सांस फ्रंटियर्स शॉर्ट में एमएसएफ का सेकंड इन कमांड है आफ्टर बिग बॉस एंड काज एमएसएफ की बिजनेस साइड को संभालता है। अब नवंबर 4, 1974 तक बिग बॉस अपने यूएस गिवन टाइटल बिग बॉस से खुश नहीं है एंड वो स्नेक कोड नेम ही प्रेफर करता है। इसी दिन एमएसएफ को 2 बंदे अप्रोच करते हैं, एक केजीबी एजेंट एंड एक लड़की नेम्ड पास। दोनों एमएसएफ को हायर करना चाहते हैं बिकॉज उनकी कंट्री कोस्टा रिका में एक रोग सीआईए यूनिट कॉल्ड द पीस सेंटिनल्स उन्होंने अपना इलीगल बेस सेटअप कर रखा है एंड कोस्टा रिका के पास खुद की आर्मी नहीं है। प्रोफेसर एंड पास एमएसएफ को वहां जा सिचुएशन को चेक एंड न्यूट्रलाइज करने को कहते हैं। कास के इस काम के बदले पेमेंट के बारे में पूछते ये प्रोफेसर एमएसएफ को करेबियन सी के पास एक ऑयल रिग ऑफर करता है जिसे एमएसएफ अपना मदर बेस बना सकते हैं। स्नेक इस काम के लिए मना कर देता है बट पास द्वारा रिकॉर्डेड कैसेट में बॉस की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसी आर्मी की लैब के पास से रिकॉर्डेड है। स्नेक एंड एमएसएफ इस मिशन को एक्सेप्ट करते हैं एंड केजीबी एजेंट द्वारा प्रोवाइडेड ऑयल बेस को भी। स्नेक यहाँ केजीबी प्रोफेसर को असिस्ट कर रही सैंडिनिस्टा लिबरेशन आर्मी की मदद लेता है जिसकी लीडर है अमेंडा। स्नेक अमेंडा के छोटे भाई चीको को भी अच्छा सोल्जर बनाने में ट्रेन करता है एंड अमेंडा यहाँ स्नेक को न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसपोर्ट होते दिखाती है जिसे ट्रैक करते स्नेक को यहाँ पीस सेंटिनल्स का लीडर हॉट कोल्डमैन एंड एक डॉक्टर ह्यूई एमरिच लड़ते मिलते हैं। स्नेक ह्यूई को बचाता है जो हॉट कोल्डमैन को रोकने के लिए अब स्नेक की मदद करता है। ह्यूई बताता है कि उसने हॉट कोल्डमैन के लिए एक न्यूक्लियर टैंक बनाया कॉल्ड द पीस वॉकर जो कि एक AI बेस्ड टैंक है एंड इस टैंक की खास बात यह है कि जहां ये टैंक डिप्लॉयड है अगर उस जगह पर कभी भी किसी ने न्यूक्लियर स्ट्राइक की तो ये टैंक बगैर कोई इनपुट के अपने AI से जितना डैमेज अग्रेसर कंट्री करेगी उससे 10 गुना ज़्यादा ये पीस वॉकर करेगा टू दैट अग्रेसर कंट्री। एंड इस पीस वॉकर के होते कोई भी किसी कंट्री को न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की धमकी नहीं देगा जिसे इस गेम में द परफेक्ट डिटरेंट कहते हैं। लेकिन अब हॉट कोल्डमैन न्यूक्लियर स्ट्राइक ब्लॉक करने की जगह पीस वॉकर से मैन्युअली न्यूक फायर करना चाहता है टू शो CIA लैंगली इन वर्जीनिया कि वो अभी भी कैपेबल है एंड उसे उसकी पोस्ट इन CIA वापस दे दी जाए। ह्यूई कोल्डमैन के पागलपन को देखते इस पीस वॉकर प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में स्नेक की मदद करता है। स्नेक यहाँ ह्यूई को MSF ज्वाइन करने को कहता है जो ह्यूई एक्सेप्ट कर लेता है। अब पीस वॉकर के AI को डिस्ट्रॉय करने के लिए ह्यूई स्नेक को डॉक्टर स्ट्रेंज लव की लैब के बारे में बताता है जहां ये स्ट्रेंज लव भी बॉस को जानती थी इवन बॉस से प्यार करती थी
एंड उसने बॉस की कॉन्शियसनेस को यूज करते ये पीस वॉकर का एआई ब्रेन डेवलप किया। स्ट्रेंज लव इस एआई को कंप्लीट करने के लिए बॉस की पूरी जानकारी चाहती है एंड वो स्नेक को बंदी बना ये पूछती है कि क्या बॉस ने अपनी कंट्री को सच में बिट्रे किया। बट स्नेक कभी भी बॉस की सच्चाई किसी रैंडम पर्सन को नहीं बताएगा एंड स्नेक के कुछ ना बोलने पे स्ट्रेंज लव समझ आती है कि बॉस ने अपनी कंट्री को बिट्रे नहीं किया था एंड इसी इन्फो से शी कम्प्लीट्स द एआई एंड अब पीस वॉकर फुली रेडी है। होट कोल्डमैन अब पीस वॉकर का पहला टारगेट करेबियन कोस्ट में एमएसएफ के बेस को बनाता है एंड वो बताता है कि कैसे एज ऑफ हीरोज अब खत्म हो चुकी है एंड अब मशीन्स का ज़माना है एंड कैसे पूरा वर्ल्ड लाइक फ्रांस, चाइना एंड इवन इंडिया के पास अब न्यूक्स आ चुके हैं। तो उसके लॉजिक के हिसाब से वर्ल्ड को अब पीस वॉकर जैसा डिटरेंट की ज़रूरत है जो कहीं भी खुद चलकर जा सके एंड दुनिया में कहीं भी न्यूक्स गिरा सके। कोल्डमैन अब पीस वॉकर के साथ निकारागुआन बॉर्डर के अमेरिकन बेस से न्यूक फायर करने की तैयारी करता है एंड स्नेक के यहाँ पहुँचते कोल्डमैन आगे बताता है कि कैसे ह्यूमन रेस जब न्यूक्स गिराने की बात आएगी तो ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते शायद एक कंट्री न्यूक्लियर स्ट्राइक का जवाब भी ना दे, इसीलिए पीस वॉकर रिटेलिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब तक कोल्डमैन ने पास को बंदी बना रखा है बिकॉज उसी ने KGB एफिलेटेड प्रोफेसर के साथ MSF को हायर किया। यही कहते इस अमेरिकन फैसिलिटी को सोवियत सोल्जर्स अटैक कर देते हैं एंड वो प्रोफेसर जिसने हमें हायर किया वो खुद को व्लैडिमिर ज़ोदोर्नोव बताता है एंड बताता है कि ये सब उसका प्लान था। एस पीस वॉकर के कंप्लीट होने के बाद अब वो पीस वॉकर से सोवियत एलाइड क्यूबा पर न्यूक्स गिराएगा एंड इस अमेरिकन साइड से न्यूक फायर करने पे क्यूबा को लगेगा कि न्यूक्स अमेरिका ने गिराए हैं एंड इससे सोवियत पूरे साउथ अमेरिका में कम्युनिज्म फैला देगी। यही ज़ोदोर्नोव कोल्डमैन को गोली मार देता है एंड ज़ोदोर्नोव स्नेक को भी मारने लगता है कि dare point your gun at a comrade? We will not be pawns of the KGB. We will win our own victory. Hasta la victoria siempre. MSF unit coupled with Nicaraguan Sandinista army Soviets पर retaliate कर देते हैं एंड ज़ोदोर्नोव एंड डाइंग कोल्डमैन को बंदी बना लिया जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज लव भी अब MSF का साथ देती है बट यही कोल्डमैन मरने से पहले पीस वॉकर का डेटा अपलिंक स्ट्रीम एक्टिवेट कर देता है एंड ज़ोदोर्नोव द्वारा डाली क्यूबा पे न्यूक्स गिराने की कमांड ये भी साथ में ही एक्टिवेट हो जाती है। अब हुआ ये कि कोल्डमैन की थ्योरी कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो ह्यूमैनिटी रिटेलिएटोरी न्यूक्लियर स्ट्राइक्स नहीं करेगी, इसे प्रूव करने के लिए पीस वॉकर USA की NORAD यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड। पीस वॉकर इसके डेटा को हैक करते USA को लगता है कि सोवियत्स ने उन पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दी है। एस पीस वॉकर उन्हें ये दिखाता है विद प्रोजेक्टेड ट्रेजेक्टरी एंड टाइम, पूरे नेशनल कमांड में हड़कंप मच जाता है एंड ये पीस वॉकर का डेटा स्ट्रीम बिल्कुल रियल लगता है एंड USA डिटेक्ट नहीं करती कि ये स्ट्राइक्स फेक है। स्नेक पीस वॉकर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है एंड पीस वॉकर की न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन क्यूबा को रोक देता है बट पीस वॉकर का डाटा अपलिंक स्ट्रीम अभी भी चालू है एंड उसे रोका नहीं जा सकता। स्नेक अपने बिग बॉस टाइटल से NORAD में फ़ोन करता है एंड उन्हें बताता है कि ये स्ट्राइक्स फेक है बट NORAD यूनिट वहाँ के चेयरमैन को ही हटाकर सोवियत्स पर रिटेलिटोरी न्यूक्स गिराने की तैयारी करते हैं। ये कहते कि अगर वो मरने वाले हैं तो वो दुश्मन को भी साथ लेकर ही मरेंगे एंड इससे होट कोल्डमैन की थ्योरी ऑफ पीस ये फेल साबित होती है एस वो सोचता था कि इंसान इंसानों पर न्यूक्स गिराने में हिचकिचाएंगे बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्नेक एंड टीम का हर एक एफर्ट बेकार जा रहा है एंड स्नेक बॉस के AI में घुस उसके अंदर की सभी स्ट्रीम्स को बंद करने की कोशिश करता है बट डेटा अपलिंक स्ट्रीम्स को नहीं रोक पाता। एवरीथिंग हैज बीन लॉस्ट, दुनिया में न्यूक्लियर स्ट्राइक्स होने ही लगती है कि a ghost?
Transmission. Look! It's functional compensation. When the human brain is damaged, sometimes it recovers over time. Other parts of the brain take over the functions of the damaged parts. Mammal and reptile were patterned after different parts of the human brain. When those parts were assembled together into one, they must have become capable of functional compensation. स्नेक के पीस वॉकर पर अटैक करते बॉस का एआई खुद ही पीस वॉकर की फुल कमांड लेने में सक्सेसफुल रहता है एंड बॉस अपनी एआई फॉर्म में भी पूरी दुनिया को होप देते पीस वॉकर को झील कोसी बोलका में सबमर्ज कर देती है जिससे पीस वॉकर के इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाते हैं एंड डेटा अपलिंक स्ट्रीम टूट जाती है यानी बॉस के मरने के बाद भी उसकी कॉन्शियसनेस दुनिया को बचा गई अब सब कुछ नॉर्मल होते ह्यू एमरिक एमएसएफ का लीड साइंटिस्ट बनते एमएसएफ के लिए भी एक मेटल गियर बनाता है एंड निकारागुआ के लेक में जो पीस वॉकर में लोडेड न्यूक था वो एमएसएफ चुरा लेती है जिससे ह्यू एमएसएफ के मेटल गियर में भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऐड कर देता है एंड एमएसएफ एक न्यूक्लियर कंट्री की तरह दुनिया की 7th न्यूक्लियर पावर बनती है एंड इस मेटल गियर को जीक नाम मिलता है अब कुछ टाइम बाद कैप्चर्ड केजीबी प्रोफेसर ज़ोदोर्नोव एमएसएफ प्रिजन से भाग जाता है जिसको ट्रैक करते बिग बॉस उसे खत्म कर देता है बट पीछे एमएसएफ बेस पर पास बताती है कि वो एक साइफर की एजेंट है एंड वो एमएसएफ को साइफर यानी मेजर जीरो या पेट्रियट्स को सरेंडर करने को कहती है एंड बिग बॉस को पेट्रियट्स को वापस ज्वाइन करने को कहती है नहीं तो वो अमेरिका पर न्यूक्स तान देगी जिसका दोषी एमएसएफ को माना जाएगा बिग बॉस पास को मेटल गियर जीक से बाहर फेंक देता है एंड पास करेबियन ओशन में गिर बह जाती है एंड नाउ काज रिवील करता है कि पास एक ट्रिपल एजेंट थी वर्किंग फॉर CIA, KGB एंड द साइफर एंड ज़ोदोर्नोव KGB एजेंट था ये काज को पहले से ही पता था बट MSF को बड़ा वन पावरफुल बनाने के लिए उसने KGB अफिलियटेड ज़ोदोर्नोव से ये कॉन्ट्रैक्ट लिया एंड इसी से अब MSF के पास काफ़ी पैसा मदर बेस एंड न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं बिग बॉस काज की बात समझ जाता है एस चाहे काज ने KGB इवन साइफर के साथ डील्स की हो बट वो MSF की भलाई के लिए ही था एंड काज की असली एफिलिएशन बिग बॉस के साथ ही है एंड नाउ बिग बॉस अपनी ये आउटर हेवन यानी MSF को आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए रेडी रहने को कहता है एंड वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो जब तक आज़ाद एंड समय की मार झेल सकें वो झेलेंगे एंड यहाँ साइफर द्वारा पास से MSF की रेपुटेशन को ख़त्म करने के लिए बिग बॉस एंड कास की साइफर यानी पेट्रियट्स यानी मेजर जीरो से अगली राइवलरी स्टार्ट होती है अब अगले साल यानी 1975 तक एक 1960 में मेजर जीरो द्वारा बनाई सीक्रेटिव CIA यूनिट XOF जिसे फॉक्स यूनिट के क्लीन अप ऑपरेशंस के लिए बनाया गया था लेकिन मेजर जीरो के CIA छोड़ने के बाद ही XOF को US आर्मी से डिसबैंड कर दिया गया बट ये यूनिट अभी भी जीरो के पेट्रियट्स के लिए काम कर रहे थे XOF का लीडर है स्कल फेस एंड उसके सोल्जर्स काफी एक्सपेरिमेंट टेस्टेड हैं एंड यहाँ स्कल फेस की काफी लंबी कहानी है एस वो रोमेनिया के ट्रांसिल्वेनिया में पैदा हुआ जहाँ उसे अपनी मातृभाषा बोलने के अधिकार नहीं थे क्योंकि तब रोमेनिया पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर रूल करता था फिर वर्ल्ड वॉर टू के दौरान नाजी रूल आ गया एंड उसके बाद सोवियत का कब्जा स्कल फेस की बॉडी पर वर्ल्ड वॉर टू की बॉम्बिंग के दौरान एक फैक्ट्री में गर्म तेल गिर गया था एंड उसे और भी बहुत चोटें आईं इसलिए अब उसका नर्वस सिस्टम पेन महसूस नहीं कर सकता स्कल फेस को अपनी भाषा अपने कल्चर को सप्रेस करवाने के लिए दुनिया का डोमिनेंट कल्चर एंड डोमिनेंट भाषा इंग्लिश से बहुत नफरत होने लगी एंड जब 1974 में ये पीस वॉकर इंसिडेंट हो रहा था तब तक स्कल फेस को एक नेटिव अमेरिकन आदिवासी बायोलॉजिस्ट मिलता है जिसे कोर टॉकर भी कहते हैं जिसके पास से स्कल फेस को वोकल कोड पैरासाइट एंड उसकी न्यू न्यूक्लियर एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी का पता लगता है स्कल फेस कोर टॉकर को फंड करता है एंड एक प्लान बनाता है कि जो भी इंग्लिश बोलता है उसे ख़त्म करना एंड अपने इस मास्टर प्लान के लिए वो हर इंग्लिश बोलने वाले को एक पैरासाइट से इन्फेक्ट करना चाहता है एंड इस प्लान को पूरा करने के लिए सबसे पहले वो जीरो को ख़त्म करता है तो स्कल फेस को पास के बारे में पता लगते वो पास को एक करेबियन के मछुआरे से रिकवर कर लेता है एस पास ने साइफर यानी मेजर जीरो को देखा है एंड उससे उसकी लोकेशन पता करते स्कल फेस जीरो को एक पिन पार्सल करते उसे अपाहिज या कोमा टाइप वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचा देता है नाउ जीरो के बाद अगर कोई स्कल फेस का प्लान रोक सकता था तो वो था बिग बॉस
तो स्कलफेस अपने यूनिट को बिग बॉस की ओर घुमाता है एंड एक फेक यूनाइटेड नेशंस इंस्पेक्शन लॉन्च करता है टू बिग बॉस MSF बेस। अब मार्च 1975 में काजुहिरा मिलर ह्यूई एमरिच के कहने से इस UNSC इंस्पेक्शन के लिए रेडी हो जाता है, एस उन्हें लगता है कि ये इंस्पेक्शन रियल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की है। एंड काज ह्यूई को कहते अपने मेटल गियर जीक को समुद्र में छुपा देता है एस यूनाइटेड नेशंस को यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स ना मिले एंड MSF को रियल PMC का दर्जा मिल जाए। कुछ दिन पहले ही MSF को भी पता लग जाता है कि पास जिंदा है एंड क्यूबा के कैंप ओमेगा में बंदी है। यहाँ MSF को भी पता है कि पास के पास जीरो की लोकेशन है, बट MSF पास को UN इंस्पेक्शन के बाद छुड़ाने वाले थे। बट चीको, जो कि पीस वॉकर इंसिडेंट के बाद MSF का मेंबर है, वो पास से प्यार करता था एंड वो अकेले ही पास को रिकवर करने कैंप ओमेगा में चला जाता है, जहाँ स्कलफेस चीको को भी बंदी बना उससे पास को सेक्सुअली असॉल्ट करवाता है एंड उसकी विल पावर को ब्रेक कर MSF बेस की पूरी इन्फो ले लेता है। साथ में चीको से बिग बॉस को SOS सिग्नल भी सेंड करवाता है। एंड नाउ UN इंस्पेक्शन वाले दिन बिग बॉस चीको एंड पास को रिकवर करने कैंप ओमेगा में जाता है। यहाँ कैंप ओमेगा अमेरिकन ब्लैक साइट है इन क्यूबा, जिसे XOF लीडर स्कलफेस वो अभी भी CIA के लिए काम कर रहा है ये कहकर यूज कर रहा है। बिग बॉस चीको एंड पास को रिकवर करके एक MSF हेलीकॉप्टर में सेफ रखते उन्हें MSF बेस पर वापिस लाता है। बट यहाँ स्कलफेस ने पास के पेट में बॉम्ब प्लांट करवा रखा था, जिसे MSF मेडिक निकाल लेता है। अब MSF बेस पर पहुंच यहाँ UN इंस्पेक्शन की जगह XOF फोर्सेस अटैक कर देती हैं एंड काजुहिरा मिलर यहाँ सबसे लड़ रहा है। स्नेक कास को रिकवर करता है एंड इस हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकलता है। MSF बेस के साथ बिग बॉस की आर्मी के सभी लोग भी खत्म हो जाते हैं। अब कास को भी पता लगता है कि ये यूनाइटेड नेशन इंस्पेक्शन ये बस एक स्मोक स्क्रीन थी एंड उसे लगता है कि ये सब साइफर का प्लान था। दैट्स व्हाई ही थिंक्स दे प्लेड हिम लाइक अ डैम फिडल। दे प्लेड अस लाइक अ डैम फिडल। गिव इट बैक। दिस इजंट राइट। दैट वाज आवर्स। बट असल में ये MSF बेस को डिस्ट्रॉय करना साइफर का नहीं बल्कि XOF लीडर स्कल फेस का प्लान था। अब पास को होश आते वो बताती है कि उसकी वीवी में एक और बॉम्ब है एंड वो सबको बचाने के लिए इस हेली से खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। एंड यहीं ये ब्लास्ट से एक XOF का हेलीकॉप्टर हमारे हेली को हिट करता है एंड सभी ग्रेवली इंजर हो जाते हैं। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में सिर्फ काजुहिरा मिलर ही नॉर्मल इंजरी से बच पाता है। पास खुद को सैक्रिफाइस करके मर जाती है एंड चीको इस क्रैश को सरवाइव नहीं कर पाता एंड वो भी मर जाता है। यहाँ बिग बॉस सीरियस कोमा में चला जाता है एंड किसी वजह से MSF मेडिक भी कोमा में चला जाता है। अब 1980s तक कास मिलर खुद ही MSF के बाद एक न्यू PMC यानी प्राइवेट मिलिट्री कॉरपोरेशन खड़ी करता है नेम्ड डायमंड डॉग्स, जिससे कास उसका MSF बेस तबाह करने का रिवेंज ले सके। स्कलफेस अभी तक साइफर के काफी रिसोर्सेस एंड उसके स्पेशल सोल्जर्स की कमांड अपने अंडर ले चुका है। अब 1984 में यानी MSF बेस डिस्ट्रॉय होने के 9 साल बाद बिग बॉस एंड मेडिक कोमा से बाहर आते हैं, जहां XOF का स्कलफेस अभी भी बिग बॉस को खत्म करना चाहता है एंड वो अपनी एक असैसिन टीम बिग बॉस के हॉस्पिटल में सेंड करता है। यहां बिग बॉस के साथ एक बैंडेज लगाया बंदा है जो अपने आप को इस्माइल बताता है एंड वो बिग बॉस को XOF के असैसिन से बचाता है
एंड उसे आग लगा देता है। इश्माइल एंड बिग बॉस उनके पीछे लगे एक्सयूएफ के स्पेशल यूनिट के सोल्जर से बचते अलग हो जाते हैं, जहां रिवॉल्वर ऑसलॉट जो अब पेट्रियट्स को छोड़ चुका है वो बिग बॉस को बचाता है। ऑसलॉट बताता है कि वो अब काजुहिरा मिलर के साथ काम कर रहा है एंड काज ने एक न्यू पीएमसी ग्रुप स्टार्ट किया नेम डायमंड डॉग्स, जिसका बेस हिंद महासागर के सेचिल आइलैंड्स के पास है। एंड इसी प्राइवेट आर्मी के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर काज अफगानिस्तान में वहां मुजाहिदीन को ट्रेन कर रहा था टू फाइट द सोवियत आर्मी एंड वहीं काज पकड़ा गया एंड वो अभी भी वहीं बंदी है। बिग बॉस अब अपने न्यू कोड नेम वेनम स्नेक के साथ 9 साल के बाद अपने पहले मिशन पे काज को अफगानिस्तान से छुड़ाने जाता है। अब काज की एक टांग एंड एक हाथ काट दिया गया एंड उसकी आई डिजीज से वो अब काफी हद तक अंधा भी हो चुका है। काज अभी भी इसके पीछे साइफर का हाथ है ये समझता है, इसलिए वो बिग बॉस को ये कहता है, Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg, my arm, even my fingers. The body I've lost, the comrades I've lost, won't stop hurting. Venom Snake को अपना Huey Emerich MSF बेस के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही साइफर के लिए काम कर रहा था ये पता लग जाता है एंड स्नेक ह्यूई को वापस लाने एक्सोएफ के बेस पर जाता है। एंड स्नेक एंड टीम अभी तक यही समझते हैं कि स्कल फेस एंड साइफर मिले हुए हैं, जहां स्नेक को एक्सोएफ की वही असैसिन जिसे इश्माइल ने जला दिया था उससे लड़ना पड़ता है एंड उसे हराने के बाद उसका बायोडाटा निकालते पता लगता है कि एक्सोएफ के एक्सपेरिमेंट से अब उसके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स हैं एंड वो अब अपनी स्किन से सांस लेती है। स्नेक उसे भी डायमंड डॉग्स में शामिल करता है एंड वो कभी भी कुछ भी नहीं बोलती, इसलिए सभी उसे क्वाइट कहने लगते हैं। क्वाइट डायमंड डॉग से अपनी लॉयल्टी प्रूव करती है। ह्यूई एमरिच को स्कल फेस के बेस से लाते ह्यूई को पूरा टॉर्चर किया जाता है फॉर सेलिंग MSF एंड डायमंड डॉग्स। ह्यूई फिर भी अपने आप को लॉयल बताता है एंड डायमंड डॉग्स के लिए काम करता है। अब स्नेक एंड काज को एक पैरासाइट का पता लगता है जो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोगों को ही अटैक करता है एंड ये पैरासाइट खुद को मल्टीप्लाई कर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है एंड इसे रोकने के लिए वेनम स्नेक उसी साइंटिस्ट के पास जाता है जहां से स्कलफेस ने ये पैरासाइट बनवाया था, द कोड टॉकर। कोड टॉकर वेनम स्नेक की हेल्प करता है। अब अंगोलन सिविल वॉर में भी इन्वॉल्व होते स्नेक वहां के चाइल्ड सोल्जर्स के लीडर व्हाइट मांबा को पकड़ने जाता है। एस कास समझता है कि हम लोग इन चाइल्ड सोल्जर्स को डायमंड डॉग्स के लिए ट्रेन कर सकते हैं एंड व्हाइट मांबा जिसका असली नाम ईलाय है उसको पकड़ने के बाद स्नेक उसे एक अच्छा सोल्जर बनाएगा ये बताता है। एंड यहाँ ईलाय बिग बॉस का ही क्लोन है, रिमेंबर लास्ट एंड फांस टेरिबले उसमें 3 क्लोन्स बनाए गए थे एंड ईलाय उसी क्लोन का रिजल्ट है। अब तक के मिशंस के बाद स्नेक एंड कास को पता लग जाता है कि स्कल फेस साइफर के रिसोर्सेज को यूज कर रहा था एंड उसी ने MSF बेस को डिस्ट्रॉय किया एंड अफगानिस्तान में कास की ये हालत की। स्नेक स्कल फेस से मिलता है जो अपना प्लान स्नेक को समझाता है कि कैसे दुनिया पर वेस्टर्न कल्चर डोमिनेट कर रहा है एंड हर एक की मातृभाषा को भुलाकर इंग्लिश को डोमिनेट लैंग्वेज बनाया जा रहा है। स्कल फेस को अपनी मातृभाषा बोलने के लिए हमेशा सताया गया एंड अब वो कोर टॉकर के पैरासाइट से जो भी इंग्लिश बोलता है उसे इन्फेक्टेड बना देता है, जिससे वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही ख़त्म करना चाहता है। स्कल फेस के आगे और भी मोटिव्स थे जो सुनने में सही लगते हैं, बट अंदर से ये सब मोटिव्स इविल हैं। स्कल फेस के बेस पे पहुंचते वो यहाँ ह्यूई एमरिच द्वारा बनाया एक न्यू मेटल गियर द सहलांथ्रोफस एंड इस मेटल गियर को सिर्फ एक चाइल्ड सोल्जर ही कंट्रोल कर सकता है, एज उसके कंट्रोल पैनल में सिर्फ चाइल्ड ही बैठ सकता है। यहाँ स्कल फेस अपने एक साइकिक चाइल्ड सोल्जर जो आगे चल के साइको मेंटिस के नाम से जाना जाएगा उसे सहलांथ्रोफस को कंट्रोल करवाता है, बट ये चाइल्ड स्कल फेस को ही बिट्रे कर उसे कुचल देता है। स्नेक इस मेटल गियर को हरा देता है एंड द साइकिक चाइल्ड यहाँ ईलाय में सबसे ज्यादा हेट को सेंस करते उसके लिए काम करना स्वीकार करता है। अब स्नेक स्कल फेस के 2 रिमेनिंग पैरासाइट वाइल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है कि ये साइकिक चाइल्ड एक पकड़ लेता है एंड ये ईलाय को दे देता है। नाउ फाइनली काज एंड स्नेक उनके बेस उनके सोल्जर्स का रिवेंज लेने के लिए स्कल फेस को काज की ही तरह उसका हाथ एंड उसकी टांग तोड़ देते हैं एंड उसे तड़प कर मरने के लिए छोड़ देते हैं।
ह्यूई अपना रिवेंज लेने के लिए स्कल फेस को मार देता है, एस ह्यूई अभी भी दिखाता है कि वो डायमंड डॉग्स के लिए लॉयल है। अब सहलांथ्रोपस को डायमंड डॉग्स के बेस में लाया जाता है, जिससे MSF की तरह डायमंड डॉग्स के पास भी अब एक न्यूक्लियर डिटरेंट है। बट अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ। ह्यूई एमरिच, जो कि सच में ही बुरा था, वो अभी भी स्कल फेस के पैरासाइट को फर्दर म्यूटेट कर और डेंजरस पैरासाइट बना देता है एंड ईलाई के साथ मिल डायमंड डॉग्स में रिलीज कर देता है। ह्यूई का इसके पीछे मोटिव था कि वो इस पैरासाइट को ब्लैक मार्केट में बेच सके। नाउ ह्यूई सहलांथ्रोपस को भी ठीक कर उसका कंट्रोल ईलाई को दे देता है एंड अब तक ईलाई सहलांथ्रोपस का कंट्रोल एंड सभी चाइल्ड सोल्जर्स को रिक्रूट करते इस मदर बेस से किसी रिमोट आइलैंड पर चला जाता है। स्नेक ईलाई का पीछा करते इस रिमोट आइलैंड में पहुंच स्कल फेस के रिमेनिंग सोल्जर्स एंड ईलाई के सोल्जर से लड़ते सहलांथ्रोपस को वंस इन फॉर ऑल डिस्ट्रॉय कर देता है एंड अब ईलाई का चेकअप करने पे वो भी अब तक वोकल कॉर्ड पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो जाता है एंड यहाँ ईलाई स्नेक को बताता है कि साइफर ने उसे बनाया एंड ईलाई भी साइफर से रिवेंज चाहता है। स्नेक उसकी पिस्टल में एक गोली छोड़ते उसे खुद को खत्म करने के लिए कह इस आइलैंड पर नेपाम बॉम्ब्स गिरा देता है। बट द थर्ड चाइल्ड साइको मेंटिस ईलाई को बचाकर ईलाई को न्यूयॉर्क ले आता है एंड यहाँ से ईलाई अपना रिवेंज ऑन साइफर प्लान करता है। वेनम स्नेक को अपने मदर बेस पर अपने ही सोल्जर्स को मारना पड़ता है बिकॉज अब पैरासाइट कंट्रोलेबल नहीं रहा एंड इन सब सोल्जर्स की अस्थियों से स्नेक डायमंड्स बनवाता है। ह्यूई एमरिज का सच पूरी तरह से जानने के बाद कि उसने अपनी वाइफ स्ट्रेंज लव को भी AI एक्सपेरिमेंट्स में मार दिया एंड अपने बेटे हाल एमरिज पर भी एक्सपेरिमेंट्स करना चाहा, काज उसे मौत की सजा सुनाता है बट स्नेक उसे एक लाइफ बोट में डाल डायमंड डॉग से निकाल देता है। Prepare a life raft. Big enough for one. Food and water too. Boss, he's leaving. He's responsible for all of this. Think of all the men. He didn't lose a damn thing. This is the enemy, and he's here on his knees. Us. You are right. He is not one of us. But we are not responsible to judge an enemy. He leaves Mother Base, and that'll be the end of it. अब लास्ट में क्वाइट भी मदर बेस छोड़कर भाग जाती है, जिसे बचाते वो एक टेप में बताती है कि स्कल फेस ने उसे पूरा डायमंड डॉग बेस डिस्ट्रॉय करने के लिए एक पैरासाइट उसमें भी इन्फेक्ट किया था एंड अगर वो कभी भी इंग्लिश बोलती तो बेस में सभी लोग मर जाते, इसलिए उसने कभी कुछ नहीं बोला। एंड जब वेनम स्नेक को एक वेनम स्नेक बेहोश कर देता है तब हेलीकॉप्टर को कोऑर्डिनेट्स देने के लिए क्वाइट को इंग्लिश बोलनी पड़ी, यानी उसके अंदर का पैरासाइट अब एक्टिवेट हो चुका है एंड इस पैरासाइट से कोई भी ना मरे इसलिए अब वो रेगिस्तान में अकेले मरने चली जाती है। अब सब कुछ ठीक होने के बाद सबसे बड़ा रिवील, वेनम स्नेक तो रियल बिग बॉस था ही नहीं। असल में जब 1975 में MSF प्लेन डिस्ट्रॉय हुआ, बिग बॉस के साथ जो मेडिक था जिसने पास के पेट से बॉम्ब निकाला, वही अभी तक बिग बॉस का रोल निभा रहा था एंड लास्ट में बिग बॉस उसे एक कैसेट टेप से बताता है कि 9 साल पहले मेडिक कोमा में नहीं था एंड उसकी प्लास्टिक सर्जरी से उसका फेस बिग बॉस जैसा बनाया गया एंड उसे काफ़ी सालों तक हिप्नोथेरेपी से वही बिग बॉस से ऐसा बना दिया गया। एंड अगर आप किसी डॉग को कहें कि वो शेर है तो वो डॉग की मेंटालिटी भी शेर जैसी हो जाती है। ऐसे ही हिप्नोथेरेपी से भले ही वो एक आम MSF मेडिक हो, लेकिन उसके एक्शंस सभी बिग बॉस जैसे ही थे। असल में हिदियो कोजीमा यहाँ चाहते थे कि प्लेयर्स जो ये गेम खेलता है वो अपने आप को बिग बॉस ही समझे एंड ये गेम उन्होंने इसी तरह से डिजाइन की कि आपने कोई फिक्स्ड कैरेक्टर नहीं बल्कि खुद को ही बिग बॉस की तरह खेला एंड बिग बॉस एंड में कहता है, यस मैं बिग बॉस हूँ, लेकिन आप जो ये गेम खेल रहा है आप भी हो। I'm big boss, and you are too. Now, he's the two of us together. Where we are today, we built it. This story, this legend, it's ours. We can change the world, and with it, the future. I am you, and you are me.
Carry that with you wherever you go. Thank you, my friend. From here on out, you're big boss. सो गेम की स्टार्ट में जो बंदा कोमा से उठता है वो था MSF मेडिक, एंड जो हमारे साथ था जो हमें अपना नाम इस्माइल बताता है वो था रियल बिग बॉस। रिमेम्बर मैंने आपको कहा था कि स्कलफेस ने एक पिन बेचकर जीरो को वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचा दिया। वेल, जीरो तुरंतली उस कोमा या वेजिटेटिव स्टेट में नहीं चला गया। इस MSF बेस पर अटैक होने के बाद जीरो समझ चुका था कि XOF का स्कलफेस ही इज लूज, एंड चाहे जीरो एंड बिग बॉस में जितना भी तनाव हो, जीरो बिग बॉस को मारना नहीं चाहता था। सो जीरो एंड ऑसलॉट दोनों ये प्लान बनाते हैं कि बिग बॉस को अगर रिकवर करना है तो उसका एक बॉडी डबल करना पड़ेगा, एंड जीरो ईवा की मदद से बिग बॉस एंड मेडिक को साइप्रस के इस हॉस्पिटल में लाता है, एंड इस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ऑसलॉट को देता है। बिग बॉस की कॉपी बनाने के बाद 1977 तक जीरो अपने आप को फुली हाइड कर लेता है बिकॉज अब वो उस कोमा या वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाता है। एंड अब 1984 की स्टार्टिंग में जब इस्माइल गायब हो जाता है तब ऑसलॉट बिग बॉस को मेडिक की सारी आइडेंटिटी देते, उसे कहीं सेफ रहने को कहता है, एंड बिग बॉस मेडिक की आइडेंटिटी से अपनी बिगर आउटर हेवन का प्लान शुरू करता है। एंड इसी वक्त तक वेनम स्नेक बिग बॉस जैसे एक्ट करते सभी बिग बॉस के काम करता है, एंड नाउ एंड तक वेनम स्नेक बिग बॉस के लिए सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करता है, एंड दोनों दोस्त बनते हैं। अब ऑसलॉट कार्ज मिलर को भी बता देता है कि जिससे अभी तक वो ऑर्डर ले रहा था वो रियल बिग बॉस नहीं था, एंड यहीं से कार्ज अब बिग बॉस की साइड छोड़ देता है, एंड कार्ज अकेले ही US आर्मी फिर से ज्वाइन कर लेता है। ऑसलॉट अभी भी बिग बॉस का लॉयल है, एंड वो अपने तरीके से बिग बॉस का सपना पूरा करता है। The real big boss is working separately from us to create his new nation. New nation? A military nation above and apart from all. The true outer heaven. Something created to maintain world balance. Independent of the struggles for supremacy, for personal profit, the cycles of revenge between countries. It'll be an army, all right, but more. Big Boss is building a nation. But until it's complete, we support the other Big Boss. The Phantom carries on his legend, his meme. That is Big Boss's plan. So that's the way it is. 9 years ago, I thought everything had been taken from me. But now I really have lost it all. The boss, and the future we were building together. One day, the age of Big Boss's sons will arrive. They'll likely want to settle the score with him. We have to shape that age. We'll each have roles to play. Building the foundation for a revolution led by both big bosses, the true one and the phantom. No. Big boss can go to hell. I'll make the phantom and his son stronger to send him there. For that, I'll keep playing my role. You know, sooner or later, there'll be only one boss. There's only room. For one boss. His sons are fated to face each other someday, too. If the day ever comes that you go back to Cypher, I'll aid the other son. And then you and I will be enemies, too. One of us will have to kill the other. Fine by me. I'll be ready for the new age. Until then. We'd better get used to coexisting. So guys, this is the end of part 1. So iske baad ab Solid Snake ki story shuru hoti hai, jo ki hum part 2 mein explore karenge. So yeah guys, this is the end of video and I hope aapko ye video pasand aaye ho. If you did, then don't forget to hit the like button and subscribe this channel and turn on notifications for the part 2. Isi ke saath, ab main milta hoon aapse apni next video mein. Till then, see ya.